हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ओ जी, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। अरे यार, तू निकलना क्यों यार, लोगों को परेशान कर रहा है। वो यार सीखने के लिए कुछ आए हैं, तू उधर उनको इम्प्रेस कर रहा है। अगर इम्प्रेस करना होता तो मैं इनको कर नहीं रहा होता, मैं 1.5 साल से यूट्यूब पर हूँ। लेकिन तू आती है कि इम्प्रेस करना, ठीक है। इम्प्रेस नहीं, लोगों को जानकारी मैं दे रहा हूँ, ठीक है, मुझे देने दे। अब बीच में आना मत ये 2020 की जैकेट पहन के, मुझे लगता है तू एक बार जरूर आएगा, ठीक है, पर आना मत, ट्राई करना ना आए। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर अभी आप मार्केट में काम करते हैं या फिर आप मार्केट की न्यूज़ देखते हैं तो दोस्तों आपको पता होगा कि अडानी कंपनी के शेयर अभी बहुत ही ज़्यादा स्पीड में नीचे जा रहे हैं। अभी अडानी कंपनी का जो शेयर गिर रहा है तो वो ऐसे ऐसे धीरे धीरे नहीं बल्कि डायरेक्टली ऐसे, ठीक है, ऐसे करके ऐसे डाउन जा रहा है। तो दोस्तों इस पर पूरा का पूरा जो असर पड़ा है तो वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट का पड़ा है। दोस्तों हिंडनबर्ग एक इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म है, तो वो अलग अलग कंपनियों पर रिसर्च करती रहती है। तो इसने अडानी कंपनी पर भी कुछ आरोप लगाए हैं और दोस्तों यह आरोप मतलब कि लोगों को पता चल गया है न्यूज़ के रूप में। तो जितने भी अडानी कंपनी में इन्वेस्टर थे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अभी अपने शेयर बेच के और अडानी कंपनी से निकल रहे हैं। तो दोस्तों अभी इसमें कुछ लोग शॉर्ट सेलिंग भी कर रहे हैं, मतलब कि जो लोग इसमें से पहले से इन्वेस्टर नहीं थे, ठीक है, तो वो लोग भी अभी इसमें शॉर्ट सेलिंग करके और पैसा छाप रहे हैं। और दोस्तों जब जब शेयर नीचे जाता है या फिर मार्केट डाउन जाता है तो शॉर्ट सेलिंग लोग करते हैं। शॉर्ट सेलिंग कोई नई चीज़ नहीं है, इसको बहुत पहले से लोग करते चले आ रहे हैं। तो दोस्तों नए जो इन्वेस्टर हैं, ठीक है, या फिर ट्रेडर हैं, तो वो इससे वाकिफ नहीं है कि शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, कैसे की जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, कैसे की जाती है, हम एप्लीकेशन पर इसका लाइव डेमो भी देखेंगे। तो दोस्तों अब हम जानते हैं शॉर्ट सेलिंग के बारे में। तो दोस्तों शॉर्ट सेलिंग अगर अभी आप करने वाले हैं या फिर आप फ्यूचर में करेंगे तो दोस्तों आपको एक चीज़ याद रखनी है, शॉर्ट सेलिंग कभी भी शेयर के बढ़ते हुए प्राइस में या फिर बढ़ते हुए मार्केट में नहीं की जाती। जब मार्केट डाउन जा रहा हो या फिर किसी कंपनी के शेयर डाउन जा रहे हों उस टाइम पर आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए कि कोई कंपनी का शेयर है वो ऐसे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, और मान लीजिए कि उसका प्राइस अभी यहाँ पर है और आपका अभी अनुमान ये है कि अब इस कंपनी का प्राइस ऊपर ना जाते हुए अब इसका प्राइस और डाउन में जा सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि इसका प्राइस अभी यहाँ पर आता है और यहाँ पर आके इसका प्राइस हो जाता है, मान लीजिए कि यहाँ पर है इसका 400, तो यहाँ पर आके इसका हो जाता है 350, या फिर आपको ऐसा अनुमान है कि यहाँ से और भी नीचे जा सकता है तो यहाँ पर इसका आके हो जाता है प्राइस 300 रुपये। तो अभी आपको पक्का पता है कि मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है, तो अभी आप इनको यहाँ पर सेल कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कि सेल कहाँ से करेंगे, पहले हमने बाई तो किए ही नहीं। लेकिन दोस्तों ये सेल करने की परमिशन देता है आपका ब्रोकर। आपने जिस कंपनी में अपना डीमैट अकाउंट बनाया है, फॉर एग्जांपल आप स्टॉक हो या फिर एंजल हो या फिर जीरोदा हो, तो उस ब्रोकर से आपके ये ऑटोमेटिक सेल हो जाएंगे, ठीक है, जब आप इनको करोगे तब। आपको पहले से बाई करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके ब्रोकर के पास हैं तो वो इनको सेल कर देगा, ठीक है। आपको तो बस सिर्फ ऑर्डर प्लेस करना है और जब इसका प्राइस यहाँ पर आ जाए उस टाइम पर आप इनको बाई कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये आपने सेल तो कर दिए, ब्रोकर ने सेल कर दिए, ठीक है, ब्रोकर को लेके देने भी तो पड़ेंगे, तो यहाँ पर ये आपने बाई कर लिए। या फिर यहाँ तक आता है तो यहाँ पर आप इनको बाई कर सकते हैं, या फिर इससे भी नीचे जाता है तो आप वहाँ पर बाई कर सकते हैं। जितना घटते हुए प्राइस में आप बाई करोगे उतना ही आपका प्रॉफिट। ओ, इसका मतलब जब कंपनी और इन्वेस्टर दोनों को लॉस होगा उस टाइम पर शॉर्ट सेलर पैसा कमाएगा। वाह जी वाह, क्या बात है जी। कर दिया 350 पर बाई किया, 50 रुपये आपका प्रॉफिट। अगर आप यहाँ पर बाई करते हैं तो 100 रुपये आपका प्रॉफिट, ठीक है, 50 का अंतर ही है, 50 ही, ठीक है, टोटल 100 रुपये का प्रॉफिट। तो दोस्तों इस तरीके से गिरते हुए मार्केट में लोग पैसा बनाते हैं। जो शेयर है ही नहीं मैं उसे बेच कैसे दूं? उसे शॉर्ट करना बोलते हैं। बोलते होंगे, करते कैसे हैं? अरे शेयर तेरे पास नहीं है पर जिस ब्रोकर के पास तेरा ट्रेडिंग अकाउंट होता है ना उसके पास बहुत सारे शेयर होते हैं। समझ, आज रिलायंस के शेयर का भाव 100 रुपये है, तुझे लगा कि शायद वो नीचे भी जा सकता है, तूने ब्रोकर को बोला कि तेरे लिए 10 शेयर 100 रुपये के भाव से बेच दे, उसने 100 रुपये के भाव से 10 शेयर बेच दिए तो उसके पास कितना पैसा मिला? 1000। तो वो 1000 मेरे हो गए? अरे अभी नहीं, पैसा ऐसे नहीं मिलेगा, पहले जो शेयर बेचा है वो वापस खरीद के देना पड़ेगा ना। हाँ। जिस दिन शेयर का भाव 80 होगा, तूने अगर ब्रोकर को बोला कि मेरे लिए 10 शेयर खरीद लो तो उसने वो 10 शेयर कितने में खरीदे? 800। इसे बोलते हैं ट्रांजेक्शन स्क्वायर ऑफ का, 1000 में बेचा 800 में खरीदा, प्रॉफिट कितना हुआ? 200।
तो दोस्तों अभी हम चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर, वहाँ पर हम देखेंगे लाइव ऑर्डर प्लेस करके शॉर्ट सेलिंग के लिए। तो दोस्तों अभी मैंने एंजल वन एप्लीकेशन में लॉगिन किया हुआ है, और दोस्तों आपको जिस भी शेयर में शॉर्ट सेलिंग करनी है तो उसको आप वॉच लिस्ट में से ले सकते हैं, अदरवाइज आप इधर ऊपर सर्च भी कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यस बैंक NSE वाले को ले लेता हूँ। अब दोस्तों आपको इधर दो ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे, एक मिलेगा बाय, दूसरा मिलेगा सेल। तो आपको शॉर्ट सेलिंग करनी है तो दोस्तों आपको सेल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद दोस्तों अभी ये डिलीवरी पर है, ठीक है, तो आपको इंट्राडे पर करना है, ठीक है। तो दोस्तों इंट्राडे पर आप कर देंगे, उसके बाद ये नीचे क्वांटिटी पूछ रहा है, तो दोस्तों आप इसमें 1, 2, 3 आप जितनी भी क्वांटिटी डालना चाहें तो वो आप डाल देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने इधर 2 क्वांटिटी डाल दी है। अब इसके बाद दोस्तों इसमें प्राइज आएगा, तो आप प्राइज भी अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकती हैं, ठीक है, लिमिट पर क्लिक करके। अदरवाइज अभी जो मार्केट में चल रहा है आप उसी पर ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो आप मार्केट वाले पर क्लिक कर देंगे। और दोस्तों उसके बाद आप यहाँ पर देख सकती हैं कि इसमें जो चार्जेज लग रहे हैं, तो चार्ज यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसमें ब्रोकरेज चार्ज मात्र 0.09 पैसे लग रहा है, ठीक है। टोटल जो वैल्यू हो रही है शेयर की तो वो हो रही है 34.30 रुपये। और इधर टैक्स लग रहा है इसमें 0.03 पैसे। तो जो टोटल चार्जेज हो रहे हैं ना वो हो रहा है 11 रुपये। तो दोस्तों अभी मैं इसको यहाँ से ऐसे कर देता हूँ। अब दोस्तों इसमें जो मार्जिन यूज हो रहा है, ठीक है, तो वो हो रहा है मात्र 6.86 रुपये, ठीक है। तो दोस्तों इसमें कहीं ना कहीं कंपनी ने आपको मार्जिन दिया हुआ है, ठीक है। इसमें पूरा आपसे कंपनी नहीं लेती है, कुछ इसमें पैसा कंपनी लगाती है तो कुछ इसमें आपको लगाना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसमें आपका 6.86 रुपये लग रहा है। अब दोस्तों इधर आप क्लिक कर देंगे सेल पर, और उसके बाद कन्फर्म सेल करेंगे तो ये आपका देखो ऑर्डर लग चुका है, ठीक है। अभी आपने 2 शेयर ले लिए। अब अगर ये शेयर मद्दा होता है, ठीक है, तो आप इसको कंपनी को लेके वापस कर सकती हैं। अगर ये महंगा होता है तो दोस्तों फिर इसमें आपको लॉस होगा। मान लीजिए कि शेयर अब ये 15 रुपये का हो जाता है, उस टाइम पर आप बाई करते हैं तो आपको 2 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अगर यही शेयर सस्ता होता ही नहीं है और महंगा हो जाता है, अगर ये 20 रुपये का होता है तो दोस्तों इसमें आपको लगभग 3 रुपये का लॉस होगा। अब दोस्तों मैंने ब्रोकर से उधार ले लिया है, अब ये मुझे ब्रोकर को वापस भी करना है, तो मैं इधर क्लिक करूँगा यस बैंक पर। अब मैं एग्जिट पर, या फिर दोस्तों आप इसको बाई मान सकते हैं, ठीक है, आप बाई भी करेंगे, ठीक है, अलग से जाके आप बाई भी कर सकते हैं 2 शेयर, तो ये इधर बराबर हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज मैं इसी पर क्लिक करके यहाँ पर मैं एग्जिट कर देता हूँ, और ये 2 क्वांटिटी डली हुई है। उसके बाद मैंने मार्केट को सिलेक्ट कर लिया और मैं इससे एग्जिट हो गया। तो दोस्तों अभी मेरी पोजीशन क्लोज हो गई है, मतलब कि जो ब्रोकर से मैंने शेयर लिया था पहले उधार, अब मैंने बाई करके ब्रोकर को वापस भी कर दिया है। तो दोस्तों इस तरीके से आप शॉर्ट सेलिंग करते हैं और गिरते हुए मार्केट में भी पैसा बना सकते हैं, लेकिन दोस्तों यह बहुत ज़्यादा रिस्की है, तो सोच समझ कर और अपने जोखिम पर करें। इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इसी तरीके से और वीडियो देखने के लिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।